गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं और सुबह का सारा काम जो है हो चुका है। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, ये सब सारा कुछ हो चुका है। सुबह का नाश्ता वगैरह, अभी बस दोपहर का खाना बनाना बाकी है। तो अभी जा रही थी मैं दोपहर का खाना बनाने, तो सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी क्या बनाऊँगी। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो मौसम ख़राब है, धूप एकदम नहीं आया है और बहुत अच्छा से मतलब लाइट भी नहीं आ रही है। और ये जो बिजली का लाइट है ये तो हमेशा ही गाँव में ऐसा होता है नहीं अभी। तो बने रहिए वीडियो पे, चलिए देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। तो ये देखिए, ये जो प्याज है, प्याज का गुच्छा जो बांध के रखा था, तो सारा प्याज हम लोग खा चुके हैं और बचा है ये घास फूस जिसे निकाल के रखा है फेंकने के लिए। तो अभी अभी बस निकाल ही रहे थे ये सब। और भी है दूसरे वाले घर में, तो उसमें अभी प्याज है, उसको नहीं खाए हैं तो वो अभी रहेगा। और ये देखिए सारे कपड़े जो है धोए हैं, कुछ यहाँ पे है कुछ बाहर है, सारा यहाँ पे नहीं लिया तो फिर बाहर दे दिए हैं। और छत पे अभी काम चल रहा है, इस वजह से छत पे कपड़े नहीं सुखाते हैं, गंदा है अभी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और आज ये सब सब्जी जो है बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है चने मैंने फुला के रखे हैं, चने की दाल है ये, इसे मैंने सुबह को ही भीगने के लिए रख दी थी, आज इसी की बड़ी बनाने वाली हूँ। और इधर जो है साग है और इसे शायद कलमी साग कहते हैं, हमारे यहाँ इसे कलमी साग ही कहा जाता है। और बहुत दिनों के बाद ये साग बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो बने रहिए वीडियो पे। तो यहाँ पे मैं साग काट रही हूँ और देख सकते हैं हम लोग बैंटिन की हेल्प से ही साग काटते हैं, जो भी काटते हैं सब्जी वगैरह सारा कुछ बैंटिन से ही काटते हैं क्योंकि मुझे चाकू से उतना अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। तो ये साग को हमारे गांव में कलमी साग के नाम से जानते हैं और बाहर का मुझे नहीं पता। तो ये देखिए मेरा सारा साग काटा हुआ हो चुका है, तो इसी तरीके से हम सारा साग को काट लेंगे और फिर इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और इन्हें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना होता है, बस इस तरीके से काटते हैं। तो अभी हम इसको एक प्लेट में रख के इधर जो है कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तो कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है और अभी हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो साग की सब्जी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने तेल में थोड़े से मैंने हरा मिर्च डाला है और थोड़ा सा लहसुन की कुछ कलियाँ डाली है, तो आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज काट के इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाए, बस उतना ही हमें फ्राई करना होता है क्योंकि साग के साथ ये मुँह में आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो अभी हम इसमें धीरे धीरे करके साग को ऐड करेंगे। तो साग को हम धीरे धीरे से एक कलछी की हेल्प से सारे मतलब जो तेल प्याज मैंने बनाए हैं पहले उसमें जो है अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, तो इसे जो है बहुत अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, लगभग ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट तक इसे ढक के पकाना है, ताकि इसे ढक के पकाने से ना इसका जो भी पानी है वो जल्दी से निकल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी पानी था वो निकल गया है और ज़्यादा पानी ये नहीं छोड़ता है। तो अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और सबसे ख़ास बात ये होती है साग की कि साग सबको पसंद होता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद में अच्छा होता है, लेकिन इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है, ये बिना मसाले का भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जिनको साग पसंद नहीं है। तो ये देखिए साग हमारा बनके जो है
रेडी हो चुका है, हमें इसे इतना ही पकाना है। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए तो अभी हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और फिर कढ़ाई को फिर से हम साफ़ कर लेंगे। तो इधर हमने जो आलू उबलने के लिए रखा था वो आलू हमारा एकदम से पक चुका है। तो अभी हम इसको एक तोड़ के दिखाते हैं। देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल सुबह भीगने के लिए डाली थी तो वो भी फूल चुकी है। तो अभी हम इसको पीस के इसका जो है पेस्ट बनाएंगे। और हमारे घर में मिक्सर नहीं है तो मैं इसे सिलबट्टे पर ही पीसूंगी। और इसे पीसते समय एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला ना हो, नहीं तो फिर इनकी जो हम बड़ी बनाएंगे तो वो फिर बनेंगे नहीं। तो हम धीरे धीरे करके इनका एक अच्छा सा डो की तरह तैयार करेंगे। पर ये बहुत ज़्यादा सख्त डो भी नहीं होता है, ना ही पतला होगा ना ही मोटा होगा, ये मतलब इस तरह का होगा कि ये बड़ी बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चने दाल को पीस लिए हैं। और सच में हमारे गांव में ना ये पीसने वाला जो भी होता है ये बहुत ही मेहनत का काम होता है, क्योंकि मिक्सर नहीं है। तो साथ ही में हम सारे मसाले को भी पीस लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में फिर सब्जी बनाने के लिए पीसना ही है तो एक साथ में ही हो जाएगा। तो मसाला भी हमारा पीस के रेडी हो चुका है। तभी हम जाएंगे किचन में फिर से। और यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है और ये पेस्ट है। तो इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और जो भी सूखे मसाले हैं वो सारे थोड़े थोड़े करके डालेंगे। इसमें थोड़े सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाले हैं। इसको अपने हाथों की हेल्प से मिला लेंगे सारे मसालों को। और अभी हम तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अभी हम थोड़े थोड़े करके बड़ी बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं। तो बड़ी बनाने के लिए ना तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर वो टूटने लगता है। तो यहाँ पे सारे बड़ी जो है लगभग एक साइज के ही हैं और हमने इसे बनाने के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया है, बल्कि हम अपने हाथों से ही बनाए हैं, इसका शेप दिए हैं। तो ये देखिए, और बड़ी को हम एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो लोग थोड़ा सा ऐसे सूखे भी खा लेते हैं इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए इनका कलर एकदम से गोल्डन ब्राउन का हो चुका है। तो अभी हम इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और मैंने जो है सारे बड़ी सरसों के तेल से बनाया है, क्योंकि सरसों के तेल से जब हम बनाते हैं ना कोई भी चीज़ तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए हम दूसरी बार भी उसी तरीके से सारे बड़ी को डाल दिए हैं। और ये अभी हम इसको पलट देते हैं। और कढ़ाई एकदम से गर्म है तो बहुत जल्दी जल्दी से हमारा बड़ी जो है पक रहा है। आप चाहो तो इसे ज़्यादा तेल में फ्राई कर सकते हो, तल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने कम तेल में ही इसे बस थोड़ा थोड़ा करके बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को दोबारा से साफ करके उसे फिर से चढ़ा दिया है और उसमें मैंने फिर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया। और अभी हम इसमें दो मीडियम साइज के प्याज को काट के इसमें डाल देती हूँ। और इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, एकदम इसका कलर एकदम गोल्डन कलर का हो जाना चाहिए। तो ये देखिए प्याज जो है भून चुका है। तो अभी हम इसमें जो हमारा पेस्ट जो हमने बनाया था मसालों का, तो वो पेस्ट डाल देंगे और ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें सूखा मसाला भी डालने वाले हैं। तो अभी हम इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और इसके साथ जो मैंने आलू उबाल के रखे हैं उसे डाल देते हैं। उसे भी थोड़ा सा इसी के मसालों के साथ में ही थोड़ा सा भूनेंगे। पहले तो हम सूखे मसाले का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आप लोगों के कहने पर मैं सूखा मसाला यूज़ करती हूँ। नहीं, फिर भी जो है
ये पेस्ट वाला मसाला भी यूज करते हैं, नहीं तो फिर हमें सब्जी जो है एकदम से टेस्टी नहीं लगता है। तो सब्जी में हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और फिर हम इसमें एक चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तो इसे मैं अच्छी तरह से एक कलछी की हेल्प से इसे मिला देती हूँ। और फिर जितने भी सूखे मसाले हैं उसे भी हम एक एक चम्मच इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ और फिर हम एक चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालेंगे और फिर थोड़े से ही मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, क्योंकि जीरा और काली मिर्च तो हमारे पेस्ट का मसाला में भी था, तो इस वजह से मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा एक चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। तो इन सबको अच्छे से मैं मिला दूंगी। और सूखे मसाले डालने से ना सब्जी में कलर अच्छा आता है और थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो पहले के वीडियो में मैं नहीं डालती थी क्योंकि हमारे घर में सूखे मसाले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल देती हूँ क्योंकि हमें ग्रेवी वाला सब्जी चाहिए। इसलिए आज हमने जो है दाल नहीं बनाई है। कभी कभार ऐसा होता है कि जिस दिन हमारे घर में ग्रेवी वाला सब्जी बनता है उस दिन हम लोग दाल नहीं बनाते हैं, क्योंकि घर में किसी को भी दाल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बनता रोज ही है। एक आध दिन कभी कभार नहीं बनाते हैं जब इस तरह की सब्जी बनती है। तो ये देखिए अभी हम बड़ी को भी इसमें डाल देते हैं और इसे तकरीबन 10 मिनट तक हमें पकाना है ढक के, ताकि बड़ी में अच्छे से सारे मसाले अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए सब्जी हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम गैस को कर देते हैं ऑफ। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये सब्जी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो आज का यही था हमारा खाना। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।